सो वेलकम बैक टू द चैनल टेक एंड राइट। आज की हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो बेसिकली बनाने वाले हम एक क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम एक्सटर्नल ड्राइव्स लगा के क्लाउड स्टोरेज लाइक एक सर्वर तरह का सर्वर सिस्टम ही वर्क करता है जैसे, तो वैसे ही। तो क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है कि जैसे हम अपना डाटा कहीं भी स्टोर कर सकते हैं कई जगह पे, जैसे हमने ऑफिस अगर हमारा कहीं है और घर कहीं है तो, बट अगर हमने सारा ऑफिस का जितना डाटा है वो हमने इसमें सिस्टम पे रखना है, हम चाहते हैं कि वो सारा जितना डाटा है वो ऑपरेट मेरे घर से हो या उसका बैकअप जो है वो मेरे घर पे हो, तो उस कंडीशंस में हम क्लाउड स्टोर को यूज़ करते हैं। या हमारी कोई वेबसाइट्स वगैरह हैं तो अगर हम उसमें कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो उसमें कोई चीज़ फाइलें हैं क्लाइंट को चाहिए या सॉफ्टवेयर या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें, जो क्लाइंट क्या करता है कि वो सीधे इस क्लाउड को ओपन करता अपना, जैसे हमने इसमें google.com या कुछ भी है जैसे बोल दिया, तो क्लाउड स्टोर में भी वैसे ही अपना आई पी उसकी फिल करके वो अपना ड्राइव खोल सकते हैं और उसमें से अपना डाटा ले सकते हैं। My Cloud Expert Series 4-way diskless MAAS, इसमें जो सिस्टम में ये जो कंपैटिबल है ये बेसिकली PCs पे है, Mac पे है, iOS सिस्टम पे है, Android है, Bonanza, UPnS और कई चीज़ें हैं जिनमें ये सपोर्ट कर सकता है। तो इसकी जो अपनी जो कैपेसिटी है वो अभी तो ज़ीरो है क्योंकि इसके लिए हमने 2-2 TB की दो रेड NAS ड्राइव्स जो है वो हमने मंगाई हुई है। इसका जो अपना प्रोसेसर बेस है वो इंटीग्रेटेड 1.6 GHz है और ड्यूल कोर बैंड है और 2 GB की 2 GBP की DDR3 रैम लगी है, 2 GB की DDR3 रैम लगी है इसमें। ये जो 1.6 GHz इसका जो प्रोसेसर बेस है और ये 2 GB की इसमें रैम लगी हुई है और इसमें 3.0 अवेलेबल है, दो स्लॉट्स इसमें दिए हुए हैं। तो ये हमारा एक सेटअप है, तो चलिए ओपन करते हैं इसको और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या। साथ में हमने जो है वो मंगाई हुई है हार्ड ड्राइव रेड की, तो ये हमारी हार्ड ड्राइव है 2 TB की, दो ड्राइव्स हैं इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं ऑलरेडी। और ये वेस्टर्न डिजिटल की ड्राइव्स हैं, ये काफ़ी सॉलिड प्रोडक्ट है वेस्टर्न डिजिटल का, तो ये जो हमारा जो क्लाउड सिस्टम है वो भी WD वेस्टर्न डिजिटल का ही है, तो उसके साथ हम ये 2-2 TB की दो अदर से ड्राइव्स जो हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसकी जो पैकिंग है वो काफ़ी सॉलिड दी हुई है, इसको जो काफ़ी सॉलिड तरीके से इस थर्मल के थ्रू काफ़ी पैक किया गया है ताकि इसमें कोई वाइब्रेशंस ना हो या इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहा मैनुअल, तो ये हमारा माई क्लाउड EX4100 डेस्क क्लिक सीरीज़ है। अब हम निकालेंगे इसमें से, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें से एक्सेसरीज। ये है इसकी बेसिकली एक्सेसरी, इसमें क्या क्या है ये चीज़ें हम देखते हैं। तो इसमें हमें दी गई है एक पावर केबल 3 पिन, तो ये Cat6 की लैन केबल है, ये इसका पावर अडैप्टर है जो इसके साथ हम लगाने वाले हैं। तो इसमें और तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस बेसिक यही चीज़ें हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं, अब हम निकालने वाले हैं हार्ड ड्राइव। ये है हमारी हार्ड ड्राइव वेस्टर्न डिजिटल, चलिए इसको ओपन करते हैं। आप इसको जब भी ओपन करें तो कोशिश करें केयरली थोड़ा सा ओपन करें। फाइनली जो है हमारा जो ड्राइव्स है वो हमारी ओपन होगी। ये है हमारी हार्ड ड्राइव 4-way WD माई क्लाउड EX4100। इसमें हमें बेसिकली काफ़ी इसकी जो लुक है वो काफ़ी प्रिटी है, काफ़ी शाइनिंग शेप है फ्रंट इसकी, तो इसमें हार्ड ड्राइव। चलिए अभी हम इसको करते हैं ऑन और देखते हैं इसमें क्या क्या सेटअप है। तो ये हमारा सेटअप बेसिकली, तो इसका जो बेस है वो भी काफ़ी बेटर दिया गया, नीचे इसके जो स्टैंड है वहाँ पे काफ़ी रबड़ के हमें लूप्स दिए गए हैं ताकि जब हम हार्ड ड्राइव्स को इसमें लगाएं तो अगर जब वो वर्किंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये वाइब्रेट ना करें अपने टेबल पे या जिस जगह पे भी ये रखे जाएँ,
तो ये वाइब्रेट ना करें उस कंडीशन से, इसको जो बेस है वो भी काफ़ी सॉलिड बनाया गया। तो इसमें ये हमें लॉक दिए गए हैं सारे 1, 2, 3, 4 नीचे नंबर्स ऑफ लिखे हुए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली जो सब सेटअप यूज़ करना, 1, 2 पोर्शन जो भी यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो मैं अभी 1 और 2 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैंने लॉक ओपन किया तो ये कुछ लुक लाइक इस तरह से ओपन हो जाएगा, और सीधा सेकंड जो हमने लॉक किया वो कुछ इस तरह से। तो चलिए अब हम इसमें करते हैं हार्ड ड्राइव को इंस्टॉल। ये है हमारी WD की, वेस्टर्न डिजिटल की WD रेड NAS हार्ड ड्राइव, 2 TB 6 GB/s, और 2 DB की WD हार्ड ड्राइव है NAS 3.0। तो ऐसे हम जो है वो 2 ड्राइव इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। एक हमारे पास ये है, ओके, तो ये हमारे पास 2 ड्राइव आ गई हैं जो कि हमने ओपन कर दिए हैं। अब हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे। हमारी जो फर्स्ट ड्राइव है लॉक हो गई है, तो हमारी जो दोनों ड्राइव्स हैं वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दी हैं। और चलिए अब हम इसमें पावर देते हैं और लॉक होते हैं। तो जैसे हमें इसके साथ में ये मैनुअल्स वगैरह तो साथ में आए हुए थे, साथ में हमें एक लैंप और केबल मिली है, तो जो कि हम अभी यूज़ करने वाले हैं इसके साथ। ये लैंप काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, वो हम लगाएंगे अपने इंटरनेट मॉडल में, और हमें साथ में दिए गए पावर केबल। अभी लैन पोर्ट है वो भी लगाना, तो ये भी हम लगाने वाले हैं लैन 1 में, ओके। अभी हम इसको करेंगे ऑन और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसको लॉगिन करेंगे। इसमें जो ऑन का बटन है वो हमें लेफ्ट साइड के साइड में दिया गया है, जिस तरफ USB पोर्ट है तो आप उस तरफ लगा सकते हो। हमारी जो मशीन है वो ऑन हो गई है ऑलमोस्ट। वेलकम टू WD क्लाउड EX 4100। तो नीचे की तरफ आप देख रहे होगे हार्ड ड्राइव 1, हार्ड ड्राइव 2, 2 यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट चल गई हैं, दैट मींस कि आपकी जो हार्ड ड्राइव्स हैं वो यहाँ पे कनेक्टेड हो चुकी हैं। 3 और 4 जो है वो हमारी अभी यूज़ में नहीं है, तो अभी उसकी जो लाइटिंग है वो ऑफ है।